हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया था। ऑस्मोसिस क्या होती है वो क्लियर हो गया था आपका। अब आपको बताना है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। आपको मैंने बताया कि कोई भी सेल है, अब उस सेल के अंदर या तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इंटर करेगा और मीडियम से सेल के अंदर इंटर करेगा तो क्या होगा, इंडोस्मोसिस। क्या होगा, इंडोस्मोसिस। और अगर सेल से बाहर मीडियम में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, पास होता है, बाहर जाता है आउटसाइड, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। तो यहां पर दो प्रकार की ऑस्मोसिस होती है, एक्सोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस। जैसे आपको बता दें हम, अगर आप क्या करते हैं, अंगूर है, अंगूर थोड़ा बड़ा होता है और उस अंगूर से आप जानते हैं उसके अंदर जो मटेरियल होता है वह लिक्विड के रूप में होता है, क्योंकि ग्रेप जूस निकलता है, अंगूर से रस निकाला जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, डाइल्यूट। वही किशमिश जो होती है उसके अंदर जो मटेरियल होता है काफ़ी कंसंट्रेट होता है, काफ़ी चिपचिपा होता है, ये आप प्रैक्टिकली देखे होंगे। अगर हम अंगूर को जो है नमक के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, नमक के गाढ़े घोल में उसको डाल दें, दो चार छः घंटे के बाद देखेंगे कि वह अंगूर क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल था, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था, वह क्या होता है, उसका मूवमेंट कहाँ होता है, अंगूर के अंदर से बाहर की तरफ कंसंट्रेटेड मीडियम में होता है। बोलिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। वहीं दूसरी केस होती है कि यदि हम किशमिश को, रेजिन्स को जल में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो वह किशमिश फूल जाती है। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल मीडियम से सेल के अंदर इंटर कर गया, क्योंकि डिफिनीशन वही ऑस्मोसिस की है जो आप पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपने देखा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो लेस कंसंट्रेटेड है और जो किशमिश के अंदर मटेरियल है वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आउटर मेम्ब्रेन सेमी पर मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है सेल की, तो आपको ने बताया वह अंदर की तरफ वाटर का मॉलिक्यूल इंटर किया तो इंडोस्मोसिस। वही अंगूर के केस में क्या था कि अंगूर के केस में क्या था कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो काफ़ी डाइल्यूट है, तो वाटर का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वह कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में नमक के घोल में बाहर चलाता है। वहां भी वही फार्मूला अप्लाई हुआ कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेम परमेबल मेम्ब्रेन। और ये वाटर का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सेल से बाहर गया, मीडियम में गया, इस कारण बोलते इसको एक ऑस्मोसिस। तो दो बात क्लियर कट आ गई कि एक्सोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस। तो आपने हेडिंग दे दिया टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, प्लीज राइट डाउन, द ऑस्मोसिस इज ऑफ, द ऑस्मोसिस इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग एक्स ऑस्मोसिस,
एक सास मोसिस एक सास मोसिस अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें अंगूर जो है डालते हैं कहां पर? अभी फिलहाल इसको आप ड्रा मत करिए, केवल पहले फिगर बना लीजिए। वो सारी आप पहले इसका डिफिनेशन नोट कर लेंगे। एक ऑस्मोसिस, तो अब आप देख रहे हैं क्या है कि आपने अंगूर को जो है कहां डाला। अभी आप फिगर को ड्रा मत करिएगा, आपने इसको कहां इमर्ज कर दिया, डिबो दिया। आपने इसको रख दिया कंसंट्रेटेड साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में, आपने इसको डुबो दिया, इमर्ट कर दिया। और जब आप अंगूर को क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड शुगर या नमक के घोल में जब आप डालेंगे, तो आप जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अर्थात क्या होगा, अब ये जो अंगूर था इसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम था, मीन्स काफी डाइल्यूट मटेरियल था, लेकिन बाहर की तरफ क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मीडियम में, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोसमोसिस। तो अभी फिगर बना के आपको समझाते हैं, हम पर डेफिनेशन नोट कर लेंगे। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इंटू आउटर कंसंट्रेटेड मीडियम थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कामा इज नोन एज एक्सोसमोसिस को अंडरलाइन कर देंगे फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन लिखिए, व्हेन ग्रेप्स GREPES अंगूर, व्हेन ग्रेप्स आर प्लेस्ड PLACED रखा गया प्लेस्ड इनटू द कंसंट्रेटेड शुगर ओवर अ साल्ट सॉल्यूशन साल्ट मीन्स क्या, नमक का घोल, साल्ट सॉल्यूशन कामा द ग्रेप्स है GREPES ग्रेप्स है बिकम्स श्रिंग्ड SHRINKED सिकुड़ जाता है, श्रिंग्ड है ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर
ड्यू टू एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर फुल स्टॉप इट इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो इट इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो इट इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो इट इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो। अब आप लोग फिगर ड्रा कर लीजिए। ये दो कंटेनर आप बना लीजिए। ये हुआ क्या भाई कंसंट्रेटेड शुगर ओआरआर साल्ट सॉल्यूशन और ये क्या हुआ ग्रेप्स हुआ। ये हो गया ए फिगर। अब यहां पर क्या है भाई क्योंकि ये मीडियम क्या है कंसंट्रेटेड साल्ट या शुगर सॉल्यूशन और आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर से जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया श्रिंक्ड हो गया। क्या हो गया श्रिंक्ड हो गया सिकुड़ गया। तो ये हो गया भाई कंसंट्रेटेड शुगर और साल्ट सॉल्यूशन और ये क्या है श्रिंक्ड ग्रेप्स है ड्यू टू एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर। चलिए इसको आप लोग ड्रा कर लीजिए। ये हो गया फिगर नंबर बी। फिगर हो गया क्या भाई डिमोंस्ट्रेशन ऑफ एक्स ऑस्मोसिस। डिमोंस्ट्रेशन ऑफ एक्स ऑस्मोसिस चलिए फिगर आप लोग ड्रा कर लीजिए। ये हो गया होगा आप लोगों का, ना हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। हेलो, एक बार फिर इसको समझा देते हैं एक्सोस्मोसिस को। आप लोगों ने क्या देखा कि एक मैंने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में क्या कर दिया मैंने
कंसंट्रेटेड शुगर, भाई चीनी महंगी है, नमक सस्ता है, देसी वाला नमक, खड़ा वाला नमक ले लेंगे क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। और एक्सपेरिमेंट में हमेशा जो चीपर हो सस्ता हो उसी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको मीडियम को क्यों कंसंट्रेट करना है। तो क्या करते हैं हम, खड़ा वाला नमक लेकर के पानी में घोल देते हैं और वो काफ़ी गाढ़ा घोल बना लेते हैं। उस गाढ़े घोल में हम क्या करते हैं कि दो चार जो है ग्रेप्स, जो काफ़ी फूला हुआ हो, ठीक ठाक हो, हरा भरा हो, उसको जो है हम डाल देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो दो चार घंटे के बाद, छः घंटे के बाद देखेंगे कि ये जो है अंगूर क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे हैं कि जो ग्रेप्स है, जो अंगूर है, इससे आप जूस निकालते हैं, क्योंकि अंगूर का रस निकाला जाता है, किशमिश से रस नहीं निकलता है, क्योंकि किशमिश काफ़ी चिपचिपा होता है उसके अंदर का मटेरियल। लेकिन ग्रेप्स क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म इसके अंदर मटेरियल होता है, इसका मतलब ये लेस कंसंट्रेटेड। किसके कंपैरिजन में, ये बाहर जो मीडियम है, जो चीनी या नमक का घोल है, और आपको मालूम है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस रूप में कार्य करता है, सेमी पर्ल मेम्ब्रेन के रूप में। तो डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस के लिए सेमी पर्ल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और सॉल्वेंट का मालिक्यूल हमेशा लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ वही कंडीशन हो रही है कि सेल से के अंदर, अंगूर के अंदर यह कंसंट्रेशन लेस है और बाहर मीडियम में हाई है, मोर कंसंट्रेटेड है, जिस कारण इस सेमी पर्ल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मालिक्यूल, सॉल्वेंट का मालिक्यूल बाहर चला जाता है, जिसके कारण क्या होगा, यह श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। तो आप लोगों ने देखा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल फ्रॉम सेल इनटू द आउटर कंसंट्रेटेड मीडियम थ्रू द सेमी पर्ल मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। और आपने जब ग्रेप्स को इस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में प्लेस किया तो देखा कि ये जो है ग्रेप्स श्रिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है श्रिंक ग्रेप्स, ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, कोई प्रॉब्लम। चलिए सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग, इंडोस्मोसिस। क्या हेडिंग देंगे, इंडोस्मोसिस। सेकंड हेडिंग देंगे इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस हेडिंग दे दिया आप। अब यहां कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज क्या हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया है कि हेलो, तो मैं आपको बता रहा था दूसरा क्या, इंडोस्मोसिस। अब अभी आप फिगर को ड्रा नहीं करेंगे, केवल इसको आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद डिफिनेशन आपको नोट कराएंगे, उसके बाद इसको आप ड्रा करेंगे। तो मैंने आपको बताया एक ऑस्मोसिस में हम क्या करेंगे, इस पे इसके एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए, कि मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने क्या वाटर फिलअप कर दिया, क्या फिलअप कर दिया वाटर, और इस वाटर में मैंने क्या कर दिया दो चार रेजिन्स, किशमिश, किशमिश जानते हैं ना, वो सिकड़ा हुआ होता है, श्रिंड होता है, और
उसके अंदर जो मटेरियल होता है काफी चिपचिपा होता है, कंसंट्रेट होता। और आप जानते हैं कि डिफरेंट फेस्टिवल जो होते हैं, चाहे ईद हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, उनमें सेवई खीर बनती है तो उसमें किशमिश डाली जाती है। और आप देखते हैं किशमिश जो सिकड़ा हुआ होता है, श्रृंड होता है, वो फूल कर बड़ा सा हो जाता। क्यों हो जाता है? ड्यू टू इंडोस्मोसिस। अब क्या होता है, कैसे होता है? मैंने आपको बताया वाटर में डाल दिया आपने किशमिश के पार्टिकल को, अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप लोग देख रहे कि यहां पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जो सेल के अंदर, किशमिश के अंदर जो मटेरियल है काफी गाढ़ा है, विस्कस है, चिपचिपा है, मोर कंसंट्रेटेड है। और इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी आपके। वाटर का मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस किशमिश के अंदर इंटर करेगा, धीरे धीरे इंटर करते करते ये धीरे धीरे फूलने लगेगा, और ये क्या होगा, फूल जाएगा। तो क्या लिखेगा? स्वेलिंग रेजिंस ड्यू टू इंडोस्मोसिस, ड्यू टू इंडोस्मोसिस। तो आप लोगों ने देखा कि इंडोस्मोसिस के कारण ये जो किशमिश होती है फूल जाती है। डेफिनेशन वही है कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता, बस कंडीशन चेंज हो गई। यहां पर बाहर मीडियम में वाटर है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सेल के अंदर मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो बाहर से वाटर अंदर सेल के अंदर इंटर कर गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इंडोस्मोसिस। तो किशमिश का फूलना किस प्रोसेस को रिपेंड करता है? इंडोस्मोसिस को। और अंगूर का पिचकना किस प्रोसेस को इंडिकेट करता है? एक्सोस्मोसिस को। तो पहले आप हेडिंग दे दिए होंगे इंडोस्मोसिस, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सेल, इनटू द सेल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर वाटर मीडियम, वाटर मीडियम कामा इज नोन एज इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस फुल स्टॉप। अब आप लोग एग्जांपल नोट कर लेंगे, When raisins are, R A I S I N S, किशमिश, When raisins are placed, P L A C E D, placed, रखा जाता है, or are immersed, immersed means होता है डुबोना, immersed into the water medium,
इनटू द वाटर मीडियम कामा द रेजिन्स बिकम स्वेलन बिकम्स ए स्वेलन ड्यू टू इंडोसमोसिस ड्यू टू इंडोसमोसिस ऑफ वाटर ड्यू टू इंडोसमोसिस ऑफ वाटर फुल स्टॉप। अब आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या हेडिंग देंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का क्या महत्व है? हेडिंग दे दिया आपने। अब ऑस्मोसिस का क्या महत्व है? आप जानते हैं स्ट्रोमेटल पोर्स जो होते हैं वह दिन में क्या होते हैं? खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। वह किसके कारण होता है? ऑस्मोसिस के कारण। और ऑस्मोसिस के कारण कैसे होता है? आप जानते हैं जो स्ट्रोमेटल पोर्स होते हैं वह किसके द्वारा घिरे होते हैं? वह गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा घिरे होते हैं? वह गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। ये गार्ड सेल समझ। जिस समय ये जो गार्ड सेल होता है दोनों किडनी के शेप का जो है ये फ्लैसिड कंडीशन में होता। फ्लैसिड में समरण जिसमें वाटर ना हो न के बराबर हो तो वह सिकुड़ा हुआ सेल को क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल समर। तब स्ट्रोमेटल पोर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज। इसका मतलब इस सेल के अंदर से पानी क्या हुआ? बाहर चला गया था समर। तो यह सेल फ्लैसिड हो जाएगा और स्ट्रोमेटल पोर क्या होंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डिटेल में आगे समझाया जाएगा। और यही क्या होता है? जिस समय वाटर का मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आता है तो ये फूलेगा और फूलेगा तो ये चलाएगा ऐसे फूल करके बाहर समझ रहे हैं। ये भी ऐसे बाहर तो ये पोर क्या होंगे? खुल जाएंगे। मीन्स जिस समय फूल जाएगा उसको बोलते हैं क्या? हम टर्जिड कंडीशन। क्या बोलते हैं? हम टर्जिड कंडीशन। तो मैंने आपको बताया फूले होने को क्या बोलते हैं? टर्जिड, और सिकुड़ने को फ्लैसिड। तो ये ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। ये सब डिटेल में आपको आगे समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट नोट कर देंगे, इट हेल्प इन मेंटेनिंग MAINTAINING मेंटेनिंग बनाए रखता है, मेंटेनिंग द टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी
फ्लैसिडिटी मीन्स यह हुआ फुल ऑफ वाटर कंडीशन या लॉस ऑफ वाटर कंडीशन हुआ। टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्पोरेंजियम। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्पोरेंजियम, फुल स्टॉप। आप जानते हैं बीएससी वन में पढ़े कि माइक्रोस्पोरेंजियम चाहे मेगास्पोरेंजियम चाहे स्पोरेंजियम हो, जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो स्वेलन होता है। मीन्स क्या? इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर, मीन टर्जिड होगा, इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, इसके कारण टर्जिड होगा और तभी प्रेशर पड़ता है तो फटता है। तो इंडोस्मोसिस की क्रिया हुई के द्वारा ही तो फूला हो और तब फटा, इसलिए उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल TO2 सेल टू सेल आकर्ष थ्रू ऑस्मोसिस। एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का मॉलिक्यूल जो इंटर करता है वह भी ऑस्मोसिस के द्वारा इंटर करता है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। अब आपको बता दें संक्षेप में, जैसे मान लीजिए एक सेल है, इसके बगल में दूसरी सेल है, अब इस सेल के द्वारा वाटर लॉस हो गया, सपोज करिए इस सेल के द्वारा वाटर लॉस हो गया, अब क्या हुआ, इस सेल में वाटर है और इसके द्वारा वाटर लॉस हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई हो जाएगा, और यहां पर फुल ऑफ वाटर है तो यहां कंसंट्रेशन इसका लो है। डेफिनेशन क्या कहती है? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? इस सेल से इस सेल में आएगा। बोलिए, अब इस सेल से आ गए इस सेल में, तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, अब ये सेल जो है इससे वाटर यहां आ गया तो ये कंसंट्रेट हो गया मीडियम, और इसके अंदर वाटर ज्यादा है, ये लेस कंसंट्रेटेड है, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल यहां आएगा। बात समझ में? तो मैंने आपको बताया एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का जो मूवमेंट होता है किसके कारण होता है? ऑस्मोसिस के कारण। तो ये टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हो गई। अब आपको हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, वाल प्रेशर क्या है, डीपीडी क्या है, ये सब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।